मेरा सुबह का खाना मेथी के पराठे मंगवाया है अमेजोन से, मंगवाया जाए फिर मंगा लिया अमेजोन था फरोड़ा जब वो मंगवाया है क्या मंगवाया है एक के दिया तो ना हाँ क्यों कई मंगाए थे हाँ चार पांच मंगाए थे देख ले भाई ना दांत लो ना अपना बॉडी चेक कर ना अपना वाला भैया तो क्या चाहते हैं इसे खोलूं हाँ खोल के इसमें बता नुए बता दे चल के बेरा मैं तो तीन चीज मंगाई थी इसमें तो पाऊंगी चाकू ला दे रही चाकू मां जा मैं पानी पता अपनी स्थिति सी करा इवान वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ सो हम जा रहे हैं पानीपत कल इसलिए नहीं गए क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी आज फिर भी थोड़ा बहुत सूरज निकला है थोड़ी बहुत धूप निकली है और मैंने मेकअप कर लिया है मेकअप क्या मतलब स्किन केयर किया लिपस्टिक लगाई ब्लशर लगाया काजल लगाई और मस्कारा और ये मैंने इयर रिंग्स पहने एंड दिस इज माई ओटीडी इसके ऊपर मैंने ये जैकेट पहन ली और तो भी हम जा रहे हैं पानीपत और मैं आज 9 बजे उठी थी तो बहुत जल्द हम बहुत जल्दी जल्दी उठेंगे और अपनी स्किन का ध्यान देंगे हेल्थ का भी और तो चलो चलते हैं पानीपत खड़ा है तो पेंचर वाला देख ले ये बना है तो ना उसका होगा टायर पंचर पाया अभी हम आए हैं पंचर लगवाने क्योंकि पंचर पाया है इसमें एजेंसी वाला ने बताया दोनों बहुत दिनों से हमारी एक्टिवा की हवा निकल रही थी हमें समझ नहीं आ रहा था हमने चेक भी करवाया बट फिर उसके बाद हम एजेंसी में लेके गए फाइनली एंड देन एजेंसी वालों ने बोला कि आपकी एक्टिवा का तो पंचर हो गया है फिर हम यहाँ पे आए पंचर वाली शॉप में और इन्होंने बोला कि 3 पंचर हो रखे किसी ने सुई मार रखी है आपके टायर में और अब आपके टायर की हेल्थ जो लाइफ थी वो कम हो चुकी है तो फिर उसके बाद अंकल यहाँ पे ठीक कर रहे थे और अंकल के बन रहे थे 150 रुपये तो अंकल ने 120 रुपये लिए फिर उसके बाद हमारा टायर ठीक हो गया फिर उसके बाद हम चले गए शॉप पे आईफोन को ठीक कराने एक्चुअली ये पायल को फ़ोन दिलाया था आईफोन 8 और इसकी बैटरी फूल गई थी फिर हम गए ठीक कराने तो उन्होंने बोला कि इसकी बैटरी में ही ख़राबी है और हम बैटरी चेंज करके देंगे तो बोलते कल शाम तक दे देंगे हम आपको तो ये पायल को दिलाया था आईफोन 8 और मुझे दिलाया था आईफोन 11 और फिर वो हमने दोनों ने मैंने तो बेच दिया था और उसके बदले मैंने 13 Pro Max लिया था और पायल का ख़राब हो गया था ये ऐसे तो क्योंकि इसमें स्पेस कम था हमें उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि भाई आईफोन और एंड्रॉयड का क्या सीन होता है तो फिर यूज़ करके ही पता चलता है चीज़ों का तो फिर हमने अभी पायल को तो आईफोन 14 Pro Max दिला रखा है तो यहाँ पे ये इसको देख रहे हैं तो इस पर भी खर्चा आएगा बहुत सारा फिर उसके बाद हम घर चले गए थे देखा हाँ। जरूरी नहीं है ऊपर का ग्लास टूटा हो तभी डिस्प्ले टूटती है हाँ अंदर से भी टूटी हो सकती है नहीं नहीं अंदर से नहीं टूटी हुई ऐसा होता है अगर बैटरी फुल जाए तो डिस्प्ले बैंड हो जाएगी टूटी क्यों नहीं तो थोड़े दिन हाँ तो कह रहा हूँ देख रहा हूँ आपके आगे होगी हो गया ऑन क्या बैटरी चेंज की है ऐसे हो गया बैटरी तो खराब है आपकी बैटरी खराब है बैटरी कार पे क्या हो गया बैटरी कौन सा ये आपके पास आईफोन 8 कितने क्या है भाई की बैटरी कॉपी डलवानी है एक 6 महीने वाली आती है एक 6 महीने की एक साल वाली है ओरिजिनल साल वाली क्योंकि किसी को देना है ना फिर ये ठीक करवा के अच्छा कोई घर आ चुके हैं और मेरा आया है पार्सल इतनी खुशी होती है ना मुझे भी क्या ही बताऊं पार्सल खोल दे तो मम्मी को मैंने वहां छोड़ दिया मैं इस गली से आई हूँ हमारा 2 गली का मकान है
और इसमें तीन तीन सुई मार रखी थी, किसी ने तीन तीन सुई मार रखी थी अपने टायर में, तीन पंचर लग गए पतली पतली नु सुई मार के गाड़ रखी थी ऊपर आके। ये देखी ऊपर एजेंसी वाले तेन बोले भाई इसमें पंचर हो रहा, तो ये तनु मारा था पानी मार मर गया, फिर जुकर टायर निकाल लिया तासले में डाल लिया तो बुड़ 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 करने लग गया। कैसी कैंडल्स इनका क्या करेगी ऐसे रूम डेकोरेशन के लिए? रूम है तेरा? करूंगी ना तुझे धीरे सेट करूंगी। अच्छा अच्छा ये तो दिखा दी, ये तो मैंने अपने व्लॉग में इसके डिटेल दे रखे हैं उसमें देख ले। हूं ना बेरा सारे देश ने और क्या मंगाया? ओट्स, चलो खाते ही हैं। ये आज दोपहर का खाना, तो मैं मम्मी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तो मम्मी आप जैसे आपने जैसे हमें पाला, मतलब किसके किसके उस पे किसके दम पे पाला कि भाई मेरा पति नहीं बाप नहीं, किसके दम पे मतलब ये मतलब कदम उठाया कि भाई मैं अपनी लड़कियों को यहाँ पे पालूंगी? खुद के दम पर, भगवान के दम पर, सच्चाई तय है। उस टाइम मम्मी, अभी मम्मी की एज 41 या 42 होगी और 16 की एज में पायल हो गई थी, 16 की एज में हो गई थी ना, और उससे पहले मम्मी को एक बेबी और था और वो लड़का था, और इसके घर क्या की करतूत की वजह तय बोले हिंदी बोलती सॉरी, इसके मम्मी के जो घर वाले थे वो बोले सरोज बरसीम लिया, तो मम्मी बारिश में बरसीम लेने चली गई और मम्मी को 8th month लगा हुआ था और मम्मी का पैर फिसल गया, और जब अबोशन हुआ और फिर उसमें पता चला कि भाई वो लड़का था 8 महीने का, तो पहला जो बच्चा था वो लड़का था, फिर उसके बाद फिर पायल हुई थी, फिर मैं हुई थी। पायल और मेरे में 3 साल का डिफरेंस है, तो मम्मी ने खुद के दम पे और भगवान के दम पे हमको रखा यहाँ पे। अब आप लोग कहोगे कि मतलब एक टाइम पे पापा बिल्कुल ये हो गया था कि भाई नहीं अब कोई चांस नहीं है पापा के आने के, फिर खाने पीने में और मतलब काफी प्रॉब्लम्स आई, और अपने दम पे केंद्र में सोच का आई थी अभी ऐसा तो ही नहीं सकता, नहीं तो कदे सोचे नहीं था कोई एक बार बैज का दोबारा हमारे दर्शन भी नहीं करेगा, यह बात तो थी को नहीं। तो मम्मी कह रही है कि भाई मुझे नहीं पता था कि भाई मेरा पति भाग जाएगा या फिर दोबारा कभी आएगा ही नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई मेरा पति मुझे चीट करेगा, मम्मी ये कह रही है। तो फिर मैं जब छोटी सी थी मेरा क्या हो गया था नमूनिया, तो हम यहाँ हरिओम डॉक्टर के पास गए थे, तो वहां का इंसिडेंट बताई है मम्मी। तो काजल छोटी सी थी बिल्कुल, एक साल की होगी मुश्किल था अल इसका, तो काजल को उल्टे दस्त लग गए, बीमार पड़ गई, मेरे पास एक भी पैसा नहीं, एक भी चोनी भी थी नू पति अल मैं हरिओम डॉक्टर यहाँ पास में उसका दवाई लेने के लिए गई काजल ने, तो फिर डॉक्टर ने दवाई दे दी, नू बोलिया भाई हो जाएगी ठीक, या इस एक बंटी दे दी नू का या दे दिए इसका चौथा हिस्सा इसका आराम हो जाएगा, और मेरे हाथ में तो दवाई खोस ले रही हम ना जुकर खोसी के था नू बोलिया दिखाई या दवाई, मैंने सोचा भी मैंने समझा हुआ है मैंने मेरे मुँह तू लिकड़ के मेरे दौरा पीसे को नहीं, ये तो मैं तेना सुबह देऊंगी पैसे, मेरे पास ये तो पैसे नहीं, सुबह ले लियो मेरे कान का झुमका ले लियो, तो अरे डॉक्टर बोलिया इस मारी के सनार की दुकान है जो तेरा झुमका ले हुआ, मैं बोली पैसे तो सुबह दे दूंगी मैं कड़ते ले आऊँ, मेरे दौर तो 10 रुपये खोस लिए और मतलब 10 रुपये भी उल्टे दे दिए और वह दवाई खोस ली, और 1 रुपये की पंटी दे दी कि भैया दे दिए राम हो जाएगा तेरी लड़की का। हाँ फिर उसके बाद मैं पड़ोस में गई, तो अगले दिन उस टाइम फोन को नहीं थे, तो एसटीडी पता फोन करया जब बेबे ने पैसे पूछा है 5,000 रुपये, और पड़ोस में तो मांग कर लिया एक पता 2,500 रुपये लिया मांग का, पड़ोस में ताज पे हो दो भाई एक दुकान है, तो उसने मन पीछे मैं गेहूँ ने दिए फिर 2,500 रुपये, फिर आवा सिंह हॉस्पिटल था पानीपत मोड़ा एडमिट करी काजल छोटी सी के बरा, उसने मरता कोई सही रास्ता दिखाया हो, अरे ओम भी अपनी जगह सही हो भाई, उन्हें दुआई खोसी ठोकर लग गई अग भी ओ हो नहीं तो तीनों माँ बेटी मर जड़ दे, जिंदगी में मारण का चानस आई सभी मारण के पाछा लग लिए, और आज तक भी वह भाग दौड़ चल रही है मौत की। तो फिर जब पापा भागे तो मम्मी
का मतलब क्या सोचा था भी मैं कैसे पालूंगी। मम्मी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, मम्मी नाइन्थ पता नहीं टेंथ ऐसे कर रखी थी। और फिर मम्मी आपके दिमाग में क्या क्या आया कि भाई मैं कैसे पालूंगी, क्या तो, काम करूंगी? मैंने तो ये दोनों ये सोचा ही नहीं था अगर भी वो मेरे साथ धोखा करेगा। अगर उसने धोखा करना था, अगर उसने मेरे को गलत साबित करना था तो बच्चे पैदा किस लिए किए थे, पहले ही छोड़ कर भाग जाता। उसने सही थी जब तो दो बच्चे पैदा करे, और मैं सही थी अपनी जगह जब तो उधर जहाँ मेरी ससुराल थी उधर तक सामान उठा कर लिया सारा डा इस गांव में। मैं तो खुद पेटी नहीं उठा सकती थी, अलमारी नहीं उठा सकती थी। और पापा खुद आए थे मम्मी के साथ यहाँ पे गाड़ी में भर का, क्योंकि वो ससुराल वाले तंग करते थे मम्मी को। फिर पापा ने खुद डिसीजन लिया कि भाई तू यहाँ रहेगी और मैं आर्मी में जाऊंगा, और फिर जब वहां पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी पोस्टिंग अच्छी होगी तो मैं तुझे भी ले जाऊंगा। और फिर मम्मी गई भी थी आर्मी में, वहां पे भी पैर मिट्टी कर दिए लोगों ने। शुरू में तेरी नानी भी रहा कर दी मेरे पास, और तेरी नानी राखी घर के पास में थे, घर वाले भी रहते थे, भतीजे वगैरह भतीजी वगैरह ये भी रखे, फौज में भी लेके गई मम्मी। और तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब पापा भाग गया तो तने के सोची भाई मैं के करके खिलाऊंगी? मनन तो सोचे को नहीं भी भाग जाएगा कदे जिंदगी में, फिर मन सोचे आएगा या भी कदे तो पीछे। तो मैं तनु नहीं कहती भाई भीख मांगनी पड़ेगी? हाँ, वो पूछ रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो लगता हूँ। अच्छा अच्छा, जब वो भाग जा सुन ध्यान, जब तेरा पापा मतलब की आना छोड़ गया, नालात इतने खराब हो गए, फिर लास्ट में यह सोची मना कि भाई ईब तो मतलब कि मेरा दो हाथ भी है दो टांग भी है, ईब तो भीख मांगनी पड़ेगी, और भीख मांगूंगी के कह का ओला काट का खोल का, मतलब भीख मांगनी पड़ेगी भाई। पानीपत साइड जाऊं, करनाल साइड जाऊं, दिल्ली साइड जाऊं, किस साइड जाऊं, भीख कैसे मांगू? भीख मांगने की नौबत थी, भीख अगर भी डाठा मार का भीख मांगनी थी अपने बच्चे खातर, क्योंकि एक सिलाई था तो बच्चे पढ़ा लिया, भीख मांगने की नौबत आई। और मतलब कि रोंगटे खड़े हो जा, गंदी गंदी गलत गलत बहुत जिंदगी में, मतलब कि कोई देख नहीं सकता सुन नहीं सकता, बहुत कष्ट आई है बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैं बड़े ऑपरेशन से हो रखी थी, तो मम्मी के कमर में दर्द होता था जब मम्मी सूट वगैरह स्टिचिंग करती थी, तो फिर मम्मी से एक पॉइंट पे नहीं हो रहा था, और उस चीज से फिर मतलब हम पालन पोषण भी नहीं हो रहा था, खाना लाए पढ़ाई लिखाई करे, और मम्मी का यही था कि भाई मैं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दूंगी। और फिर लड़की थी दो, इनको किसके भरोसे छोड़ कर जानती? अगर मैं दिहाड़ी करती तो 450 रुपए की, तो फिर इनको कौन देखता? इधर कोई नहीं था, फिर बड़ा या छोटा कोई नहीं था। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी, उसको शुगर हो गई थी, मेरी माँ का पड़िया में से गिर का चोट लगी थी, वह भी बेचारी बीमार हो गई थी, फिर वह भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, उसके भी वो बेटा उसकी सेवा करे। मम्मी ये कह रही थी कि भाई अगर मैं दिहाड़ी मजदूरी करने बाहर जाती या रोटियां पोने जाती तो हम दोनों को कौन संभालता? हाँ, कोई घर में था ही नहीं, भाई होता तो वो संभाल लेता, मम्मी दिहाड़ी करके आ जाती या फिर भाई दिहाड़ी करके आ जाता, मतलब कोई था नहीं ट्रस्टवर्दी पर्सन जैसे मम्मी यहाँ पे छोड़ के चले जाए। और पड़ोसियों के सहारे तो इम्पॉसिबल, कई बार छोड़ के भी गई, रोटियां पोने जाती थी मम्मी, यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते थे उनकी 4 पता नहीं 5,000 रुपए दे रहे थे वो। हाँ, 5,000 रुपए भी ना, रोटी भी पोई। हाँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे यहाँ पे और वो यहाँ पे रेंट पे रहते थे, तो मम्मी उनकी रोटियां पोने जाती थी 3 टाइम की, तो फिर मम्मी हम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी कि हम क्या कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर मम्मी ने वो भी छोड़ दिया। सूट भी सिलाई करे, दरी बनाई, दरी भी बनाने आती है, सारे काम आते हैं मम्मी को, सारे काम आओ कति ए टू जेड रहा, क्योंकि आर्मी में रह के आई हुई है ना, तो सब कुछ आता सब कुछ, वहां पे लेडीज बहुत टैलेंटेड होती थी, तो वहां पे एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि भाई मम्मी का माइंड मतलब काफी ज्यादा खुल गया, तेज हो गया। ये सब गेट मोतिया के रोर मन बना रखे, उनका मना हुआ, ये सब भी आते हैं मम्मी को बनाने, ये सब ये। जो आज हम मॉल के लिए क्या था नहीं, मम्मी को आते हैं बनाने दिमाग से, अभी बना दू सब आओ मेरे को, वो मैंने बना रखे गेट, वेलकम, बेडरूम। एक बार मैं सारी चोरी चारी भी होगी थी, सब सामान उठा कर ले गए, चोरी बहुत कुछ बनाया था, एक बार चोरी भी होगी थी यहाँ पे जब मम्मी आर्मी में गई हुई थी, पता नहीं वहां उस चीज का भी नहीं पता चला भाई किसने चोरी करी किसने नहीं। मैं तो यू नो करना चाहूँ, जो कर तेरा नाना था नहीं, उन्हें देश आजाद करवाया। हाँ, और एक क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे कि भाई आपके नाना वैसे तो फ्रीडम फाइटर थे,
तो नाना जी की डेथ हो गई थी, छोटी सी थी मैं, 5-6 साल की। हाँ, और मम्मी से बहुत प्यार करते थे वो, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बताओ क्या था पापा का? और पापा बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे इबू से, की याद दिल में बैठी है, वो मेरे खातर को नहीं मरिया, मेरा बाप जिंदा है, उसे की याद लेकर भीतर मैं जी रही हूँ, जी हूँ, सांस ले रही हूँ, अब भी मैं उसकी बेटी हूँ, जी का दिखाऊंगी, दुनिया में नहीं कुछ को नहीं कुछ भी, वो मरिया नहीं, हमारे खातर जिंदा है। रोंदा तो ये काम हुआ कौन है, किसे कीमते कौन थी कुछ भी, ये फिल्म बनाई लिया छोटरा नाना जीवा। हमें भी इसी बात का दुख होता, अगर मतलब नाना जिंदा होते ना, हाँ, तो आज ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती, कुछ नहीं होता कुछ भी, बस दिक्कत ही होगी कि उनकी जगह भी होगी नानी, नानी को मिलने लगी पेंशन, तो इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट फिर भी नानी भी काफी कोशिश करती थी कि भाई चले जाओ, पंचायत करा लो, बसा दो मेरी बेटी को, मौसा ने तो कहा था कि भाई कर ले दूसरी शादी, तो वो कह रहे थे कि भाई ठीक है हम करा देंगे, लेकिन आपको दोनों लड़कियों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर मम्मी हमें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि एक माँ ही जानती है यार बच्चा क्या होता है, मतलब अभी जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि भाई आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो, तो मम्मी ने उसमें मतलब शादी भी नहीं की, और लड़का होता तो छोड़ भी देती, तो इस वजह से मम्मी ने शादी भी नहीं की, यही रीजन था, वरना मौसा तो कह रहा था यहाँ पे वो आदमी भेज दिया था देखने के लिए, उसको मम्मी पसंद आ गई थी कि भाई ठीक है कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ तो एक ऐसी चीज हो है, सब खतर है बात, माँ तो एक ऐसी चीज हो है, माँ ने नहीं एक चीटी नहीं मारी वो चीटी, और जब अपने बच्चे पे बात आओ नहीं माँ सांप ने भी ले बैठा है, माँ तो एक ऐसी चीज हो है जिंदगी में, माँ माँ भी घड़े ढाल की हो है, सही माँ भी है धरती पर, गलत माँ भी है, सारे ढाल की माँ है, लेकिन तेरे नाना के रग में किसा खून था, तेरे नाना सही आदमी था, उन्हें देश जात करवा रही, यह सच्चाई है काजल, मैं नहीं सोच कर जीव भी, मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ, मर गया कोई बात नहीं, मैडम मैं आज भी अब सोच रहा था कि काश नानू जिंदा होते तो ये सिचुएशन नहीं होती, स्टैंड लेते वो, उन्होंने अपने 10 बच्चों को पैदा किया और पाला, सबका पालन पोषण किया, 5 बेबे हैं और भी भाई थे, अदा की ड्यू टू सम रीजंस डेथ हो गई थी, और 2 तो बुआ की छोरी नहीं है, उनके बात भरे 7-8 बच्चे हैं, हम मीडिया में झूठ थोड़ी बोलेंगे, 7-8 बच्चे हैं, मेरे बाबू था नहीं जो, मेरा पापा उन लड़कियों का मामा था, उनके बात भरे, रास्ते को भरने लग रहे, सारा काम कर दिया, 2 बाण थी दोनों के भरे, 7-8 बच्चे थे उनका, वो तो इतना बागाल आदमी था, उस वर्गा ना तो धरती पर हो सकता और ना हुआ, और मेरी माँ भोली भाली थी, जब उसने इतने 10 बच्चे पैदा करे मेरी माँ ने, और नाना ने बोला भाई तू 12 कर 15 कर मैं पालूंगा इन्ना, और मैं सब तो छोटी हूँ लास्ट में हुई थी, अब भी मैं पालूंगा, तने कोई चिंता नहीं, रोटी तो खाऊंगे बालक है सब, मैं लास्ट में मैं हो रही, मेरे तो बहुत लाड करया करता तेरा नाना, कति मरिया जिया करता, एक दिन एक छोरी ने नू मार दिया, मेरा नू बोलिया तेरी माँ ना गोडू तेरी ना मेरी बेटी का मारिया, कति नू धरती में गिर भी गया था, चोट लग गई न्यू धोती मोड़ का धोती बन दिया करता, और तो ये दिन आने नहीं थे जो तेरा नाना होता, ये बात की देखण की कुछ और है, कहण की कुछ और है, दुनिया सोचा नॉर्मल है सुनकर, ये नॉर्मल को नहीं, रूंगटे खड़े हो जाए, मतलब बहुत, जब जिस इंसान पर गुजरा है नहीं वो उसका दर्द समझ सका है। तो मतलब आप लोग कह रहे थे कि भाई आपके नाना तो नाना जी की तो मतलब मम्मी, असल में तो नाना जी ऐसे इतनी गंदी जगह मम्मी का रिश्ता करता ही नहीं, नाना जी की डेथ हुई तो सारी सिचुएशन को ठीक करने के लिए सभी बहनों की शादी कर दी, आज मेरी जितनी भी मौसी है ना उनके बढ़िया घर बस रहे हैं, उनके हस्बैंड एक नंबर के हैं, मतलब कोई दुख नहीं कुछ नहीं, बच्चे बच्चों की अच्छी परवरिश कर दी, तो सिचुएशंस डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होती गई हमारी, फिर उसके बाद लास्ट में हमने हार के कोर्ट में गए, केस किए पापा पे, आर्मी को लेटर्स भेजे लिख लिख के कि भाई खर्चा नहीं चल रहा, ये पैसा नहीं भेज रहा,
फिर मोदी को भेजे प्रधानमंत्री था जो, हाँ हर किसी को भेजे, किसी किसी को भेजे, हमारे यहाँ ये कृष्ण कुमार है इसको भेजा लाटर। फिर उसके बाद मतलब फिर लेकिन हमारे को नहीं चपरासी की भी नौकरी मिली, चपरासी की भी कुछ नहीं था किसी। फिर उसके बाद हमारी तनख्वाह बंदी मेरी और पायल के 4,000 रुपए आते थे, डाक ही आता था हर महीने की 16 पता नहीं 15 तारीख को पैसे देके जाता था, 4,000 और 4,000 8,000 और कुछ नानी दे देती थी। हाँ फिर नो काम चल गया, तो फिर इस वजह से थोड़ा थोड़ा चलता रहा चलता रहा। बस ये था कि भाई खाना हो जाता था और हमारी स्कूल की फीस चली जाती थी। मैं देखती थी कि स्कूल में सब फैंसी टिफिन लेके आते थे और मैं स्टील का डब्बा लेके जाती थी और सब तरह तरह की सब्जियां लेके आते थे कुछ कुछ, और मैं अचार लेके जाती थी, रोटी और अचार, तो मेरे को फील होता था। बट मुझे, मैं तो बच्ची थी भाई, मुझे नहीं पता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। मतलब मेरे को नॉलेज आई 12th के बाद थोड़ी थोड़ी, अभी भी इतनी नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई कि भाई अच्छा ये पापा होते, क्योंकि मुझे तो मतलब पापा का प्यार मिला ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी मैं बहुत अनलक्की हूँ, क्योंकि सब ये मतलब जब हमारे घर में तीनों की लड़ाई होती थी ना, तो पायल मेरे को ताना मारती थी कि ना तेरे पैदा होने की वजह से ना तो मेरा बाप भाग गया। ये मेरे को मनहूस कहती थी कि भाई तू मनहूस है, तेरे पैदा होने बैठ गया पापा। तो मैं अपने चीज काफी ज्यादा हिट करती थी, बट क्या कर सकते हैं, मेरी वजह से थोड़ी नहीं भागा, इनकी पर्सनल रीजंस थे, इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकी प्रॉब्लम्स की वजह से हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कितनी सारी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रास्ता भी करने लग रहे कि कठिन कठिन का रास्ता पकड़ रहे, आज भी आपके भट्ठे में चल रहे हैं। बस ये है कि भट्ठा ही है अब फिर भी सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब आदमी के मामले में नहीं, बेटे की वजह तो है। और मुझे ये लगता था कि मैं तो मतलब क्या ही करूंगी, कुछ नहीं कर सकती मैं। और फिर भगवान का चमत्कार है यार, भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि मतलब मैं सोशल मीडिया पे आई, मुझे फेमस किया, और मम्मी ने कहा कि भाई मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, तू बना वीडियो, क्योंकि मेरे को इसके नेगेटिव पॉइंट्स पता थे कि भाई किडनैप भी कर लेते हैं और पता नहीं 100 रीजंस होते हैं यार, तो फेमस होना कोई मतलब आसान चीज नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं अपने साथ 25-25 बॉडीगार्ड लेके साथ चलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन फैन है कौन हेटर है। ये लाइन बहुत खतरनाक है, तो जो भी लड़की इस लाइन में आ रही है ना, थोड़ा सोच समझ के आना, बहुत खतरनाक लाइन है। मतलब जितनी चमक चांदनी और पैसा है ना, उतना डीपली जाओ तो बहुत खतरनाक लाइन है, ठीक है। एक टाइम तो उसने भी गलत करया था, रियो हमने दुआई खोसने चाहिए थी, मौत कर जिंदगी का सवाल था, दुआई नहीं खोसनी चाहिए थी, उसने हाथ मत है मान ले वो शिकार खतर आगे के लिए, मैंने यह बात सिखा दिया भी आज तो मैं उधार करूं। भगवान की तरफ तो मिली हो थोड़ी, कोई सीख दे था भगवान ने नु सिखाया कि भाई पैसा आया तो सब कुछ है, नहीं कुछ को नहीं, भगवान सिखाओ था, ओके सिखाओ था। तो पापा ने नहीं भेजे अपनी तरफ से 2 रुपए भी कि भाई बच्चों की परवरिश कर दियो, वो हमने कोर्ट में केस किए, तो वहां आर्मी ने सोचा कि भाई इसके बच्चे कैसे पलेंगे, उनको तो पता ही नहीं था कि भाई अपने बच्चों का एक फुट्टी कोड़ी नहीं दे रहा, तो वहां से हमको 4,000 रुपए मिलते थे, तो बस गुजारा ही चल रहा था। फिर आगे बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मेरे फोन में स्पेस भी नहीं है। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर व्लॉग, और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो, और आई एम वेरी स्ट्रांग, आई नो मतलब यहाँ तक आया तो हम तीनों ही बहुत स्ट्रांग है, हम किसी से नहीं डरते, लिटरली किसी से नहीं डरते, क्योंकि जिंदगी में इतने दुख देख लिए ना, ये जो कीड़े मकोड़े आवे ना, ये जो मेरे तक जड़ा है, ये क्रिएटर या फिर वीडियो बनाने वाले, भाई मेरी तो मजबूरी है, मैं मजबूरी में वीडियो बनाऊं, थम बना दो अपने शौक में या अपने शो ऑफ करने में, मेरी मजबूरी है, तो थम मेरे तक कंपटीशन मत लगाओ। ये चीज मैंने मम्मी तभी बहुत बार बताई, भाई मम्मी कंपटीशन लगाओ मेरे तब मतलब को, और ये वो हरियाणा में सब पहला 1 मिलियन मेरे फॉलोवर हुए, बालक ना देख कर जड़ना नहीं चाहिए किसी के बच्चे, लोग मेरे को कहते हैं तो पागल है, ये तो बेबे है, सपोर्ट करो, कहते हैं तो पागल है या तो इसी वीडियो बना। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई वल्गर वीडियो नहीं बनाई, कभी भी कोई गंदी वीडियो नहीं बनाई, हाँ मैं छोटे कपड़े पहनू हूँ क्योंकि मेरा जी करा है और कोई मैंने रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सब नु क्या करते भाई, पैरा पकड़े हो जाओ तो हम कुछ पहन गए, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं अपने पैरा पकड़ी हूँ भाई, मैं महीने के कमान लग रही हूँ।
तो मैं पहनू ना क्या? और वीडियो वालों की डिमांड आवा कंपनी वाला की भाई वीडियो बनावा दो मिनट खातर कपड़े पर फिर ले कुछ नहीं। और उसके बाद फिर नॉर्मल रहवा और अभी भी मैं नॉर्मल कपड़ों में बैठी हूँ तो बुलवा दी ना। तो वीडियो जो वीडियो कंपनी वाले होते हैं ना वो बोलते हैं कि मैम ये सॉन्ग है इस पे आपको ये वाला आउटफिट पहनना है लाइक साड़ी पहननी है सूट पहनना है जींस पहननी है शॉर्ट्स पहनने हैं तो मुझे उस हिसाब से कपड़े खरीदने पड़ते हैं तो वो तो मेरी फील्ड होगी। अगर मैं महीने के 40,000 रुपए कमा रही हूँ उसमें से 10,000 महीने में अपने ऊपर लगा रही हूँ तो क्या दिक्कत है इनको? तो मैं इनको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती, टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे बिजली का बिल जाता है, टाइम पे वाईफाई का बिल जाता है, टाइम पे दूध का बिल जाता है, टाइम पे हर चीज का बिल जाता है, जाता है ना। ये मेरी मम्मी बैठी पास में तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि काजल बहुत पैसा उड़ाती है। यू घर भी 30 लाख लाए है बनाए ठीक और उसके बावजूद भी मैंने मम्मी तक पैसे जोड़ के दिए हैं और नहीं यकीन हो तो प्रूफ दिखा दूंगी। तो जो लोग मेरे तनु को ना भाई अब पागल है भाई थम हो गए पागल, मैं पागल नहीं हूं और मेरे तक टक्कर लगाने का कॉम्पिटिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी कंपटीशन लगाऊंगा ना भगवान का था मेरे ऊपर पिछाड़ देगा भगवान और भगवान तो डर का बोलू ये बात मैं ये जो से कंपटीशन और पागल बोलना मना थम हो गए पागल। मैं पागलों जैसी वीडियो नहीं बनाती, तुम पागलों जैसी वीडियो बनाते हो। ये काम मैं भी कर सकू ये छपरी पने वाले काम, मेरी आज तक एक भी सी वीडियो नहीं है जिसमें अगर मम्मी ने डिसअप्रूव कर दी ना तो डिसअप्रूव, आज तक मम्मी ने मेरी कोई वीडियो डिसअप्रूव नहीं की क्योंकि कोई वीडियो ऐसी मैं चीज गंदी बनाती नहीं। तो थोड़ा सोच समझ का बोलिया करो। ये तो कपड़े की तो बात नहीं हुआ, कंपनी वाले कमाई इसका डाल कपड़ा ऐसा डाल कपड़ा डाल दिया तो क्यों नहीं अभी मेरे कुछ निकाल दा सिंपल मरा हुआ है कति अभी मेरे साथ मतलब ये जो क्रिएटर हैं ये मतलब इतना चिड़ा है मेरे तय। मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी भाई मेरे तक मत चिड़ो, अपने काम तक काम रखो बस। सो ठीक है गाइज इस व्लॉग को बैन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो। चिंता नहीं करा तेरे साथ तो हुआ था माँ का, मैं चिंता नहीं करती भाई जल लो मुझसे मेरे आज 1 मिलियन हुए हैं, आने वाले टाइम में 1.1 हुए हैं तो अगर 2 मिलियन भी होंगे 10 मिलियन भी होंगे क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगी। और माननी भी चाहिए जिंदगी में, एक जीवन मिला कोई भी पॉइंट आ जाए मैं नहीं करूंगी वीडियो बनाना बंद क्योंकि इस चीज से हमारा घर चला है, इस चीज से हमारा घर बनाया है, सेफ्टी मिली हमने कितनी बड़ी। तो अपना ये जो जलने वाला नेचर है ना अपने पास रखो और थारे पास तो सब कुछ रहा यार, बाप रहा भाई रहा चाचे ताऊ रहे सब कुछ रहा, फिर भी थम मेरे ता जड़ो झूठे कोनी इब थम नु देखो मेरी बेटी की तो मजबूरी है, कति मजबूरी है, मैं तो अड़ पढ़ लूंगा ही सिर्फ आठ पढ़ रही और घर में बड़ी थोड़ी भी पढ़ी लिखी उसने भी बाल नौकरी नहीं मिली कुछ नहीं मिला है मतलब गुड़गांव दिल्ली बैंगलोर साइड हम इसको भेजना नहीं चाहते दूर अब भी कर ली है और किसी का साथ नहीं सिर्फ हमने तो दो रोटी चाहिए इसका फल तो कुछ नहीं चाहिए कुछ भी। और या मेरी बेटी रही आज तक जिंदगी में कदे दरी नहीं बिछाई खरोड़ा सो खाट पाए और कदे भी नू नहीं सोचक भी मैं सोना लिया चांदी लिया सिर्फ रोटी मिल जो दो सुख शांति तो वही बहुत था। मैं जो दो गोल्ड की गुंडी लाई थी मैं बीमा वापस कराई थी भाई मामने कौन चाहिए मामने शौक के नहीं मैंने मम्मी तक कह दिया भाई मम्मी नू की नू पड़ी थी मैं चांदी रे मोती तब टच तक नहीं की थी मैं रिंग बना पहनी तक नहीं ऐसे की ऐसे दे आई थी मैं हम ना चाहिए बिन के है राख है इतनी भगवान की इतनी बात बतावा है दुनिया बिना के यूट्यूब पे का दी सी बढ़िया बढ़िया वीडियो भगवान ना की कड़ी नी गेल को जानदा कुछ भी आड़ी रहो है सब कुछ मतलब तुनु देख मम्मी का सब कुछ रहा बाप रहा भाई रहे चाचे ताऊ रहे मामे रहे सब कुछ रहा फिर भी मरता जड़ा है तो जड़ लो भाई थम नहीं रोक सकते मना जिसमें टैलेंट होगा वो आगे जाऊंगा। और हरियाणा में सप्ताह पहला 1 मिलियन मेरे हुए थे किसी और के अरे से बात किया आएगा लोगा का रह जाओ मैंने कोई दिक्कत नहीं है मेरे तो 2 मिलियन भी होंगे 10 भी होंगे तब बैठे बैठे रहो और देखते रहो और फूकते रहो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक। राम राम जी सारे थोड़ी फूका है जो ये फूका हूँ खातर कह रही हूँ मैं उजड़ना चाहिए देख के अरे राजा सब कुछ कुछ नहीं गेल जाना इसलिए किसी को देख कर मत जड़ो कुछ नहीं रखा तेरे और कुछ नहीं रखा। और ये जो लोग मुझे पागल बोल रहे थे ना
तुम्हें पता नहीं है कितनी एजुकेशन है मेरी, समझ में आई बात? खड़े नहीं हो सकते तुम मेरे सामने, छपरी हो तुम। और ये जो इंदु इंदु कर है नी, इन एक एक नुए पूछ लो भाई राम के पिताजी का नाम क्या था, वो तक नहीं पता होगा। ये जो मेरे पोंगली ठाओ मना पागल बोल रहा है, मेरे मुंह पर तो बोल कर दिखाओ, पीठ पीछे चल रहा दुनिया के बोल रहा है। इतना ज्ञान जब कोरोना के टाइम में मोदी ने दे दिया, नहीं किसी ने ज्ञान था, किसी ने ज्ञान होता नहीं, गांवों में उल्टा काम हो जा, पंचायत करके गांव का सरपंच दी बेटी का निमटवारा करवा कर, लेकिन सरपंच भी नकली, सब कुछ नकली, किसी ने कदे कोई साथ नहीं दिया, कोई भी समझी साथ दिया करा दी बेटी का बसान में। सो ठीक है गाइज, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे बाकी की सब चीजें। सो इस ब्लॉग को बैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।